तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है ठीक ही होंगे। दोस्तों, हैरी पॉटर एक ऐसी फिल्म थी जिसने लोगों को जादुई दुनिया का एहसास कराया। हैरी पॉटर बेस्ट जादुई फिल्म होने के साथ साथ एक फैंटेसी फिल्म भी थी। इस फिल्म में हमने हॉगवर्ट्स जैसी जादुई दुनिया देखी, वो आज तक कोई भुला नहीं पाया। दरअसल फैंटेसी फिल्मों की खास बात यह होती है, वो हमें ऐसी दुनिया दिखाती है जिसका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। तो जब हम ऐसी फिल्में देखते हैं तो उसी दुनिया में खो जाते हैं। तो आज हम आपको हैरी पॉटर जैसी 5 ऐसी फिल्में दिखाने जा रहे हैं जिन्हें आपने एक बार देख लिया तो पूरी ज़िंदगी भुला नहीं पाएंगे। और ये सभी मूवी हिंदी में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी पक्षपाती के। हमारी 5वीं फिल्म का नाम है स्टारडस्ट। ये एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2007 में, और इसको डायरेक्ट किया था मैथ्यू वान ने। इस फिल्म का बजट था $70 मिलियन का और इसने कमाए थे $137 मिलियन। तो इस फिल्म में होता ये है, क्रिस्टेन को जब उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है मेरे लिए टूटा हुआ स्टार लेके आओ तो ही तुमसे शादी करूंगी, तो ट्रिस्टेन निकल पड़ता है वो टूटा हुआ तारा लेने। अब ये काम उसके लिए इसलिए है, उसके गांव के चारों तरफ दीवार है और उसके पार जाना मना है। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है इंकहर्ट। ये एक फैमिली फैंटेसी फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2008 में, और इसको डायरेक्ट किया था इयान सॉफ्टली ने। इस फिल्म का बजट था $60 मिलियन का और इसने कमाए थे $62 मिलियन। इयान सॉफ्टली ने के पैक्स और हैकर्स जैसी कमाल की फिल्में बनाई हैं। इंकहर्ट उनकी एक ऐसी ही फिल्म है जो कितने कमाल की है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं, मैजिकल फिल्मों में हैरी पॉटर फिल्म के बराबर मानी जाती है। तो ये फिल्म है मैजिकल बुक इंकहर्ट के ऊपर, जिसको ऊंची आवाज़ में पढ़ने से बुक के पात्र बुक से निकलकर असली दुनिया में आ जाते हैं। ये फिल्म बहुत कमाल की है, तो एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। इंकहर्ट। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है द सोर्सेस अप्रेंटिस। ये एक एडवेंचर फैंटेसी फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2010 में, और इसको डायरेक्ट किया था जॉन टर्टल ने। इस फिल्म का बजट था $150 मिलियन और इसने कमाए थे $215 मिलियन। इतनी कमाई करने के पीछे की वजह ये थी, ये फिल्म डिज्नी स्टूडियो की थी और डिज्नी ऐसी फिल्में बनाता है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आती है, और इस फिल्म को आज के टाइम में भी बेस्ट मैजिकल फैंटेसी फिल्म माना जाता है। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है तो आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। But it is fun. तो अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म सीरीज की जिसके हैरी पॉटर की ही तरह एक के बाद एक पार्ट आने शुरू हो गए थे, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। ये एक ऐसी फिल्म सीरीज थी जिसको हैरी पॉटर की ही तरह पसंद किया जाने लगा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ 2010 के बाद इस फिल्म सीरीज की एक भी फिल्म दर्शकों के बीच नहीं आई। इस फिल्म को बंद करने के पीछे का क्या राज था ये तो सिर्फ फिल्म के डायरेक्टर ही बता सकते हैं। फिल्म हैरी पॉटर फिल्म से थोड़ी मिलती जुलती है। इस फिल्म सीरीज के सभी पार्ट हिंदी में अवेलेबल हैं, तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारी आखिरी फिल्म की। ये हम आप पर छोड़ते हैं कि नंबर 1 पर कौन सी फिल्म होनी चाहिए। तो आप बताएं एक ऐसी फैंटेसी फिल्म का नाम जो आपको लगता है नंबर 1 की पोजीशन पर सही रहेगी, और इसके साथ ये बताएं आपको हॉलीवुड की कौन सी फैंटेसी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। मुझे पता है आप लोग कर दोगे। और अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दो,